ओके, तो सबसे पहला सवाल श्रेयस की तरफ से निकल कर सामने आता है, जिनका ये सवाल है क्या जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 41 के अंदर फाइट करेंगे, और वो भी क्या चैंपियंस वर्ल्ड के लिए फाइट इन दोनों रेसलर का हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच अगर हो रहा है तो भाई ये चैंपियंस वर्ल्ड के लिए ही मैच होगा। 90% यही चांस है कि ये मैच हमें चैंपियंस वर्ल्ड के लिए देखने को मिल रहा है। रेसलमेनिया 41 का बात, तो भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर शायद से मैच हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई रेसलमेनिया 41 से पहले ना ही जॉन सीना के पास चैंपियंस वर्ल्ड आने वाला, ना ही रैंडी ऑर्टन के पास चैंपियंस वर्ल्ड आने वाला। ये चैंपियंस वर्ल्ड अगर आ जाता है तब भाई ये मैच देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली भाई रेसलमेनिया 41 को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजिंग प्लान चल रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लान चल रहे हैं। डब्ल्यू वाले मे बी इस मैच को करवा भी सकते हो, कैसे करवाएंगे मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच अगर रेसलमेनिया 41 के अंदर नहीं हो रहा तब ये मैच हो सकता है, क्योंकि भाई अगर रोमन रेंस रॉक को नहीं फेस करेंगे तो रोमन रेंस सोलो सिकोवा को फेस करेंगे और रॉक फेस करेंगे कोडी रोड्स को, और रैंडी ऑर्टन जो कि कोडी रोड्स को फेस करने वाले, रैंडी ऑर्टन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को फेस करेंगे। इट विल बी पॉसिबल भाई, ये मैच हो भी सकता, पर भाई चैंपियंस वर्ल्ड के लिए मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दूसरी बात भाई, जॉन सीना जस्ट 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस वर्ल्ड के साथ फोटो डाले, मतलब भाई उन्होंने अपने तरफ से कंफर्म कर दिया मुझे टाइटल चाहिए ही चाहिए, तो भाई सब चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को बस थोड़ा सा बस वेट करना होगा। डब्ल्यूई वाले के पास भाई अभी करंट टाइम में 10 तरह का प्लान हो, कौन से प्लान के तरफ जाएगी एग्जैक्टली भाई अभी बताना बड़ा मुश्किल है। हां, आपको जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच आपको 100% देखने को मिलेगा, ये चीज कंफर्म आप लोग मान लो। वैसे डेनिस को नेक्स्ट सवाल @ यूजर की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है सेथ रॉलिंस का रिटर्न आखिर कब होगा। तो भाई देखो, ब्रॉन्सर रेड ने भाई जब सेथ रॉलिंस को तोड़ा है भाई लिटरली मजा आ गया, अब सेथ रॉलिंस का रिटर्न हर कोई देखना चाहता है, पर मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले शायद सेथ रॉलिंस को रिपैकेज करके फिर से बुलाने वाली है। अभी करंट टाइम में कोई मेजर पीपीवी है नहीं भाई, इसलिए सेथ रॉलिंस का रिटर्न कोई सेंस बनाता ही नहीं है। आप लोग सर्वाइवल सीरीज का बात करो तो भाई देखो, सेथ रॉलिंस भाई कोई चैंपियन नहीं, तो भाई सेथ रॉलिंस का मतलब सर्वाइवल सीरीज के अंदर कोई काम ही नहीं है। बेसिकली भाई मेरे ख्याल से आपको मियां बीबी आपको अगले साल के रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, सेथ रॉलिंस का रिटर्न आपको सीधे अगले साल 4 महीने बाद देखने को मिल सकता है। डब्ल्यू वाले भाई अगर इनका रिटर्न अगर 4 महीने बाद भी करवाते हैं तो भाई मेरे ख्याल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस डब्ल्यू वाले भाई इस बार मतलब इनको अच्छे से पैकेज करके अच्छा से मतलब बुलाए इनको वापस। वैसे देन इसको नेक्स्ट सवाल यस की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन भाई इतना इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बन पा रहा। तो यार देखो, कोडी रोड्स के साथ भाई करंट में 3-4 प्रॉब्लम चल रहा है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले भाई कोडी रोड्स से पहले जो चैंपियन थे वो रोमन रेंस चैंपियन थे, रोमन रेंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैंपियन थे, इसलिए भाई जब एक अच्छा चैंपियन आपको देखने को मिल जाए तो भाई उसका बाद वाला चैंपियन अगर थोड़ा सा दब रहेगा तो आपको ऑलरेडी वो बोरिंग फील कराना शुरू कर देगा। दूसरा चीज है कि भाई कोडी रोड्स एज ए बेबी फेस रेसलर हो, बेबी फेस रेसलर को ऐसे ही बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बेबी फेस रेसलर फैंस को बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं कर पाते जितना हील कैरेक्टर वाले रेसलर कर पाते हैं। तीसरा रीजन है कि भाई कोडी रोड्स के साथ उनके साथ कोई टीम नहीं जिस तरीके से रोमन रेंस के साथ पूरा टीम हुआ करता था, तो कोडी रोड्स भाई अकेले ऑडियंस को उतना अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं कर पाते। चौथी बात भाई, कोडी रोड्स पिछले 2 साल से रो रहे थे, उनको अपना स्टोरी को फिनिश करना, इसलिए भाई ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड थे कोडी रोड्स से, और अब जब इनका स्टोरी फिनिश हो चुका है तब भाई मतलब लोग भाई इंटरेस्ट ही मतलब दिखाना बंद कर दिए, क्योंकि भाई इनका मिशन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आप लोग को चिकन डिनर करने के बाद 30 सेकंड का मौका मिलता है, आप गेम के अंदर रह सकते हो, पर भाई सारे लोग इग्जिट कर देते हैं क्योंकि आप फालतू में 30 सेकंड तक गेम में क्यों रहोगे जबकि मतलब आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो भाई कोडी रोड्स ने अपना स्टोरी को फिनिश कर दिया, इससे ऑडियंस भाई अब करंट में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया। पांचवा रीजन है कि भाई कोडी रोड्स को अच्छे अच्छे अपोनेंट नहीं मिल रहे, कोडी रोड्स को सारे बोरिंग अपोनेंट मिल रहे, कोडी रोड्स के लेवल का अपोनेंट नहीं मिल रहे हैं। कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले ने इतना पुश कर दिया कि मतलब भाई इनके लेवल का अपोनेंट अब उनके सामने लाकर रखना होगा, जैसे ब्रॉक लेसनर आकर कोडी रोड्स को चैलेंज करे, सेथ रॉलिंस आकर चैलेंज करे, सीएम पंक आकर चैलेंज करे, ड्रू मैकइंटायर आकर चैलेंज करे, आकर हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस चैलेंज करे, पर भाई डब्ल्यू वाले ये सब सारा रवलरी को बचा कर रखी हुई, छुपा कर रखी हुई है। भाई कोडी रोड्स के सामने जब छोटे मोटे अपोनेंट आ रहे तो भाई हम सबको पता है भाई ये तो कोडी रोड्स से हार ही जाएंगे, इसलिए हम लोग का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। तो भाई बहुत सारे रीजन है भाई कोडी रोड्स का बोरिंग होने के पीछे, मैं आपको बहुत सारा ऑलरेडी बताया भी। कुल मिलाकर बात है कि भाई आपको कोडी रोड्स को देखने में मजा आएगा, आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो, बड़े बड़े रेसलर का रिटर्न होने दो। जब कोडी रोड्स का रिवलरी रोमन रेंस के साथ होगा, रॉक के साथ होगा, तो आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। जैसे अभी आप लोग करंट टाइम में देखो, कोडी रोड्स का रिवलरी जब सोलो सिकोवा के साथ हो रहा था तो देखने में बड़ा मजा आ रहा था, तो इसी तरीके से भाई आपको फिर से आपको मजा आने वाला, बस आप लोग थोड़ा सा बस वेट कर लो। मैं तो भाई लिटरली चाहता हूं भाई ब्रॉक लेसनर वापस आए, ब्रॉक लेसनर आकर एक बार फिर से कोडी रोड्स को बुरी तरीके से पेल, या फिर रोमन रेंस अपने ब्लड लाइन के साथ आए आकर कहें भाई चल दे मेरा चैंपियंस बेल्ट को। वैसे आपको सारा चीज देखने को मिलेगा अगले साल से, आप कोडी रोड्स को एंजॉय करने वाला बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई बात है कोडी रोड्स के पास करंट टाइम में है सोना, मतलब ये सोना भाई सबको चाहिए, ये चैंपियंस वर्ल्ड सबको चाहिए, ये सोलो सिकोवा को भी चाहिए, रोमन रेंस को भी चाहिए, जॉन सीना को भी चाहिए, रॉक को चाहिए और रैंडी ऑर्टन को भी चाहिए। तो अगला साल भाई सारे रेसलर आकर कोडी रोड्स को टारगेट करने वाला, फिर आपको देखने में बड़ा मजा आने वाला है। कौन एक्चुअली भाई छिनेगा कोडी रोड्स के हाथ से चैंपियंस वर्ल्ड को, भाई ये हमें अगले साल ही मतलब पता चलेगा, देखने को मिलेगा। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल आरिफ की तरफ से निकल कर सामने, जिनका ये सवाल है रॉक का रिटर्न हमें कब देखने को मिलेगा। तो भाई रॉक के रिटर्न के बारे में तो भाई करंट में ये रिपोर्ट निकल
निकलकर सामने आया कि आपको 13 तारीख को आपको रॉक देखने को मिलेंगे, मतलब एक हफ्ता बाद आपको अगला हफ्ता रॉक आपको देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पर भाई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग एक्चुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, 12 दिन बस बचा हुआ है ओरिजिनल बॉस का रिटर्न। तो भाई देखो 13 तारीख को जो स्मैकडाउन होने वाला वहाँ पर शायद से रोमन रेंज भी आ सकते हैं, रॉक भी आ सकते हैं, आपको बहुत सारा आपको धमाका देखने को मिलेगा। तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट करो 13 तारीख का स्मैकडाउन। बाकी भाई रॉक एज ए फुल टाइमर, फिर रोमन रेंज भाई एज ए फुल टाइमर आपको अगले साल रॉयल रंबल से ही आपको देखने को मिलेंगे। अगले साल रॉयल रंबल से लेकर रेसलमेनिया 41 तक मेरे ख्याल से दोनों ही रेसलर बिल्कुल एक्टिव रहने वाले हैं। वैसे देन इसको नेक्स्ट वाल @ यूजर की तरफ से निकलकर सामने जिनका ये सवाल है केविन ओवेंस कब WWE चैंपियन बनते हुए हमें दिखने वाले। भाई देखो आप लोग बात समझो भाई, WWE कंपनी के अंदर कुछ ऐसे रेसलर होते हैं जिसको चाहकर भी WWE वाले उनको लेकर कुछ कर नहीं सकते। अगर हम लोग भाई 2024 का बात करें तो भाई अब 2024 एंड होने वाला, अगला साल 2025 आने वाला है, और अगला साल 2025 के अंदर कोडी रोड्स के टाइटल के पीछे कितने सारे लोग आने वाले मेरे ख्याल से आपको भी पता है, बहुत सारे लोग आने वाले। तो क्या WWE वाले रोमन रेंज को चैंपियन न बनाकर, रॉक को चैंपियन न बनाकर, रैंडी ऑर्टन को चैंपियन न बनाकर, जॉन सिना को चैंपियन न बनाकर क्या वो केविन ओवेंस को चैंपियन बनाएगी? ऐसा भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए भाई WWE वाले चाहे जितना भी चाहे भाई केविन ओवेंस को चैंपियन नहीं बना सकती है। अभी जस्ट मैं केविन ओवेंस के बारे में ट्विटर के ऊपर पढ़ रहा था कि लास्ट टाइम केविन ओवेंस 2017 के टाइम पर चैंपियन बने थे, और ये भाई मतलब उस इंसिडेंट को भाई करंट टाइम हुए पूरे 7 साल हो चुका है, 7 साल में एक बार भी केविन ओवेंस कोई भी चैंपियंस वर्ल्ड को विन नहीं किया। तो यार वही बात है भाई, आज के 20 साल पहले जो WWE होता था उसमें भाई हर एक महीना में चैंपियन मतलब चेंज होता था। जॉन सिना ऐसे ही नहीं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन गया भाई, जॉन सिना को कुछ रेन भाई 10 से 20 दिन का भी हुआ। तो बात वही है, अगर WWE वाले अगर चाहे भी तो भाई करंट टाइम में केविन ओवेंस को चैंपियंस वर्ल्ड दे ही नहीं सकते। आप लोग 2025 के लास्ट में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो केविन ओवेंस चैंपियन बनते हुए देख सकते, या फिर 2026 के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही बात है भाई, मेरे ख्याल से राम रावण का जो युद्ध हो रहा है इसी के बीच में चैंपियंस वर्ल्ड रह जाने वाला है, मतलब रोमन रेंज और सोलो सिकोवा के रिवलरी के अराउंड ही चैंपियंस वर्ल्ड भाई मेरे ख्याल से मतलब घूमते रह जाने वाला है। देन इसको नेक्स्ट सवाल बुलबुल की तरफ से निकल कर सामने है जिनका ये सवाल है क्या बॉबी लेस्ली AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई देखो आज के 4 दिन पहले जो ऑल इन PPV हुआ भाई वहां पर बॉबी लेस्ली का परफेक्ट मौका था रिटर्न करने का, पर बॉबी लेस्ली वहां पर रिटर्न अपना नहीं किया। बॉबी लेस्ली के बारे में भाई करंट टाइम ये बताया जा रहा है कि बॉबी लेस्ली शायद TNA के अंदर जा सकते हैं। हां मैं आपको बता दूं भाई WWE कंपनी एक ऐसा कंपनी जहां अगर आप इस कंपनी के रेसलर हो तो अपना चैंपियंस वर्ल्ड को लेकर किसी और कंपनी के अंदर नहीं जा सकते, फाइट करने के लिए किसी और कंपनी के अंदर नहीं जा सकते। बाकी हम लोग ऑल इलीट रेसलिंग का बात करें या फिर TNA का बात करें या फिर NJPW का बात करें, भाई सारे रेसलिंग का कंपनी वाले बंदे दूसरे कंपनी के अंदर जाते हैं। हो सकता है भाई बॉबी लेस्ली TNA ज्वाइन करो, TNA के थ्रू भाई जा सकते हैं AEW कंपनी के अंदर। करंट टाइम में देखो जिंदर महल AAA कंपनी के अंदर ज्वाइन किए थे, अभी करंट टाइम में AEW कंपनी के अंदर उसी के थ्रू जा रहे हैं। बेसिकली भाई पहले आप लोग थोड़ा सा वेट करो भाई, बॉबी लेस्ली फाइनल में AEW कंपनी के अंदर ही जाने वाले हैं। देन इसको नेक्स्ट सवाल अमित की तरफ से निकल कर सामने जिनका ये सवाल है डेमन किंग वाले फिन वेलर का रिटर्न हमें कब देखने को मिलेगा। भाई डेमन किंग वाले फिन वेलर का भाई हमें करीब 4 से 5 हफ्ता पहले हमें बहुत सारे हिंट हमें बैक स्टेज भी देखने को मिल रहा है। फिन वेलर का जो लॉकर रूम हुआ करता था उसके पीछे डेमन किंग वाले फिन वेलर का मास्क रखा हुआ करता, तो भाई WWE वाले 4-5 हफ्ता पहले बहुत सारा टीज कर रही थी। पर मेरे ख्याल से भाई अभी करंट टाइम फिन वेलर का कोई बड़ा मैच नहीं है, फिन वेलर का एक बड़ा मैच होने वाला डेवन प्रेस्ट के अगेंस्ट ऐसे बैड ब्लड के अंदर आपको मैच देखने को मिलेगा। तो भाई क्रॉन ज्वेल हो गया या फिर आपको बैड ब्लड हो गया आपको शायद से डेवन किंग वाले फिन वेलर आपको देखने को मिल सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिन वेलर और डेवन प्रेस्ट के बीच में जब दूसरा मैच जब सेट हो तब जाकर मतलब डेवन किंग वाले फिन वेलर वापस आए। इसीलिए भाई बात है कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा होल्ड करना, अभी फिन वेलर का भाई कोई भी सिंगल मैच अभी हुआ ही नहीं है। आप लोग बैसिन वर्लिन के अंदर देख लो भाई टैग टीम मैच हमें देखने को मिला जजमेंट डे का, जबकि यहां पर फिन वेलर को डाला जा सकता था, पर WWE वाले इस रिवलरी को करंट टाइम बचा कर रखा है। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना, आपको डेवन किंग वाले फिन वेलर का भी करेक्टर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वैसे भाई आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोग हमारे से बात करें इंस्टाग्राम को आ सकते हैं।